क्या दुनिया सिखों से और सिखी से नफरत करती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या स्कॉटलैंड, क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर सिख कैसे छाए रहते? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया नफरत करती है। हाँ, नफरत उनको है जो नफरत बांटने चाहते हैं, जो नफरत फैला रहे हैं दुनिया में, उनको नफरत जरूर है सिखी से और सिखों से। उनको नफरत इसलिए है क्योंकि सिखी और सिख हमेशा प्यार बांटना, एक दूसरे का सहयोग करना जानते हैं। और अपने यहाँ पे कुदी मीडिया को इतनी नफरत क्यों है, जब सिख, एक छोटा सा सिख बच्चा भी ऐसा सवाल कर लेता है कि किसी एंकर के पास कोई जवाब ना हो, किसी भी एंकर के पास कोई जवाब ना हो, कमाल की बात नहीं है? उस बच्चे का सवाल आपको भी सुनाएंगे, सुन के हैरान रह जाओगे कि एक छोटा से बच्चे के दिमाग में इतना बड़ा सवाल, जो कि हर इंसान के दिमाग में वो सवाल होना चाहिए, वो एक सिख बच्चा कर रहा है, साबत सूरत सिख बच्चा उस सवाल को कर रहा है। सवाल भी ऐसा जो है सबके मन में, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। और वो बच्चा जाके इतनी बड़ी स्टेज पर जब करता है ना, तो फिर लोग क्या करते हैं, एक टारगेटिंग एरिया बना देते हैं। हाँ भाई, ये सिख तो ऐसे ही हैं, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। हालांकि वो सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं है, सवाल भी आपको सुना देंगे और उसका जवाब भी सबको पता है, उस सवाल के जवाब का सबको पता है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। उस सवाल का जवाब भी हम देंगे आपको, उसका जवाब भी देंगे। उससे पहले आपके लिए खुशखबरी ये है, क्योंकि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कल की दरबारे महाराज ने बोला था कि खालसा राज जब शुरू होगा तो पश्चिमी देशों से शुरू होगा, पश्चिम से शुरू होगा। और वो पश्चिमी देशों से खालसा राज की आपको खुशबू तो आ ही चुकी होगी। आपको नहीं पता हो तो बता देते हैं, कनाडा का अगला प्रधानमंत्री भी एक सिख बनेगा, सबको पता इस बात का। ऑस्ट्रेलिया की संसद में कितनी हिस्सेदारी है, अमेरिका की संसद में कितनी हिस्सेदारी है, ये सबको पता है। किसी को भी नहीं पता हो तो पता होगा। एक समय ऐसा भी आएगा जो अपना कोई नूर हीरा था, जो इंग्लैंड वाले ले गए थे, धोखे से ले गए थे, वो भी वापस पंजाब में आएगा, तब खालसा राज की असली खुशबू आपको आएगी। खालसा राज आ चुका है पश्चिमी देशों में, जो खालसा को मान्यता मिलती है सबको पता है। अपने देश में इतना क्यों है, आपको सबसे पहले तो ना उस बच्चे का सवाल सुनवाते हैं। बच्चे का सवाल सुनना, आपकी भी अगर आंखें ना खुल जाएं तो बताना, एक छोटा सा बच्चा। कहा है हमें कि जो ये धर्म है हमें इसकी तरफ बांटा जा रहा है, और मैंने बस एक सवाल पूछा कि जब एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सिख था, जब एक हमारा प्रेसिडेंट मुसलमान था, मुस्लिम था, तब हिंदू खतरे के बीच नहीं था, और आज मोदी भी हिंदू है, अमित शाह भी हिंदू है, योगी भी हिंदू है, और आज खुलेआम कतलेआम हो रहे हैं, और आज हिंदू खतरे के बीच है, इसका जवाब मुझे एक बार आप दीजिए। है किसी के पास ये सवाल का जवाब, हिंदू खतरे में कैसे आता है? किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, लेकिन बच्चे का सवाल बिल्कुल जायज है, जायज है। अगर आप इस सवाल को पॉजिटिव वे में लेगे तो बिल्कुल जायज सवाल है, ये सवाल सबके मन में होना चाहिए। कोई धर्म खतरे में नहीं है, ना कोई हिंदू धर्म खतरे में, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई धर्म कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो सिर्फ कुर्सी है, और कुर्सी खतरे में आती है तो धर्म खतरे में आता है। खतरे में है तो युवाओं का रोजगार खतरे में है, युवाओं का रोजगार कहीं पे बचा है, वो रोजगार खतरे में। खतरे में है तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, सवाल वो होना चाहिए। और सवाल क्या हो रहा है, धर्म खतरे में। धर्म कोई खतरे में नहीं मेरे भाई, हिंदू धर्म था, है और रहेगा। हिंदू धर्म कैसे खतरे में आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं खतरे में आ जाएगा। या मुस्लिम धर्म या सिख धर्म, कोई धर्म कभी खतरे में नहीं आता, कभी खतरे में नहीं आता और ना ही कभी आएगा। खतरे में है आपके बच्चों का भविष्य, खतरे में है आपकी शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, ये है आपका खतरे में। इसके सवाल का जवाब चाहिए, जो कि कोई सवाल नहीं करना चाहता। आपको पता है अगर किसी पत्रकार कोई बुलाते हैं, यूट्यूबर कोई बुलाते हैं ना, तो वही बोला जाता पहले सवाल ये करना है हमारे नेता से, इससे अलग सवाल नहीं करना है। आप उठा के देख लेने बातों को, आप भेजते हो नेताओं के बहुत वीडियो भेजते हो कि भाई ये देखो इस नेता को इस सवाल ये सवाल किया वो सवाल। अरे भाई, वहां सब कुछ पहले से प्लांटेड लिखित होता है, वो तब सवाल होते हैं, उससे ज्यादा सवाल कोई नहीं कर सकता। आप करके दिखा दो। अगर इतने ही बड़े कोई नेता है ये कहता कि हाँ मैं हूं और मैं खुलकर जवाब देना चाहता, आना भाई बैठ जाना हमारे पास और बैठ कर सवालों के जवाब दे देना, मान जाए बिल्कुल सिंपल सवाल करेंगे, जो एक आम आदमी के मन में सवाल होता है ना, एक आम नागरिक के मन में सवाल होता है, वो सवाल करेंगे। अगर एक भी सवाल का कोई भी नेता जवाब दे जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या आम आदमी हो, कोई भी पार्टी हो, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। कुर्सी खतरे में आएगी तो फिर धर्म खतरे में कर देते हैं। धर्म कोई खतरे में नहीं है, अपनी आंखें खोलो मेरे भाई। और विशेष तौर पर जो चिंटू मिंटू तैयार कर रखे ना, 2014 से जो तैयार हुए चिंटू मिंटू कैंडी, तो कैंडियो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा
वर्तमान तो तुम्हारा खराब चल ही रहा है, तुम्हारा भविष्य भी खराब हो चुका है और तुम पूरे देश का भविष्य खराब करने पर तुले हुए हो। सच्चाई ये है, सच्चाई कोई धर्म, कोई मजहब, कोई कौम कभी खतरे में नहीं आती। खतरे में आती है तो नेताओं की कुर्सी खतरे में आती है, और नेताओं की कुर्सी खतरे में आती है तो कौम भी खतरे में कर देते हैं, मजहब भी खतरे में, और भाई धर्म भी खतरे में, और सब कुछ खतरे में डाल दे। खतरे में है हमारी आजादी, खतरे में है हमारा रोजगार, खतरे में हमारा उचित स्वास्थ्य, खतरे में है हमारी शिक्षा, ये है खतरे में। खतरे में कोई धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन आप लोग इस बात को मानोगे नहीं, क्योंकि आपको तो बस एक टारगेट दे दिया गया है ना, आपको दिखाना ये है कि बस बता दो धर्म खतरे में आ गया, बता दो ये खतरे में आ गया। अरे नेताओं की कुर्सी खतरे में, कब समझोगे आप इस बात को? वीडियो पहले बनाते थे, लोग सोचते हैं कि सिर्फ ठीक है सिखों के लिए वीडियो बनाता, नहीं बनाता, हमारे कोई पता, हर उसके ऊपर बोल सकते हैं हम, हर उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, इतना पता है हमारे को, पता है चल क्या रहा है उसका भी पता है, होने क्या वाला है उसका भी पता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको पहले बताया था पॉजिटिव चीजें आपको बताएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने के लिए हमने इतना बड़ा मीडिया हाउस खोल रखा है, इतने बड़े टीवी चैनल बना रखे हैं, वो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, उनकी नेगेटिविटी को रोकने के लिए। चलो आपको छोटी सी बात बताते हैं, अभी एशियन गेम चले हुए हैं, चले हुए हैं एशियन गेम, अकेला जो संयुक्त पंजाब का एरिया है उसके मेडल निकाल दो और बताओ पूरे देश के मेडल कितने आए हैं, अकेले संयुक्त पंजाब के एरिया के मेडल निकाल दो और फिर मेरे को बता दो कि कितने मेडल आए हैं देश के, आप काउंटिंग कर लेना, सौ पार जो चिल्ला रहे हो ना वो सौ पार भी संयुक्त पंजाब के दम से ही होते हो। इसलिए हम संयुक्त पंजाब की बात करते थे कि अपना संयुक्त पंजाब एक करो, जब तक संयुक्त पंजाब एक नहीं होगा ना तब तक ऐसे किसी का धर्म खतरे में रहेगा, किसी का कौम खतरे में रहेगी, किसी का कुछ खतरे में रहेगा, हालांकि खतरे में कुछ नहीं, खतरे में आपके बच्चों का भविष्य है, लेकिन ये खतरे में आता रहेगा। इस गंदी राजनीति से दूर हटके एक आपसी भाईचारे की सांझ जो बनी हुई ना इसको कायम रखो। आपको एक चीज और बता देते हैं, चलो अभी तक नहीं बोलना चाह रहे थे लेकिन बोलना पड़ेगा, आपके जो ये किसान नेता है मजदूर नेता ना, अभी ये भी चुनाव लड़ेंगे, ये भी चुनाव लड़ेंगे, आपको बता देते हैं पहले, और ये चुनाव लड़ेंगे तो क्या कौन सी इनकी मनशा होगी, सबको पता किस मनशा से चुनाव लड़ता है आदमी, ये याद रखना इस बात को, लिख लेना इस चीज को। अभी थोड़े दिन में ऐलान हो जाएगा कि 2024 का चुनाव, कौन सा भला कर दिया भाई, किसान तो आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, कॉरपोरेट घराने आज भी खुश हैं, बताओ कॉरपोरेट वालों का हमने क्या रोक दिया, या किसी पार्टी का क्या कर लिया, वो आज भी खुश हैं, किसान आज भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ये सवाल अपने किसान नेताओं के लिए भी बचा कर रखो, ये सवाल अपने हर उस नेता के लिए बचा कर रखो जो वोट मांगने के लिए आता है, कि धर्म कैसे खतरे में, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है तो तुम धर्म को खतरे में बता रहे हो, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कभी चले जाते हैं पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, चाइना का चाइनी बोल पाते क्यों, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, किसी से डरते हैं क्या, नहीं डरते, अपना देश अपने बलबूते पर चला सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको जो असली मुद्दा होता है ना, असली मुद्दा उस तक पहुंचने से पहले ही आपको धर्म खतरे में दिखा दिया जाता है, मुद्दे क्या हैं और मुद्दे क्या बनाए जा रहे हैं, धर्म का कोई मुद्दा है ही नहीं हमारे देश में, फिर कैसा लोकतांत्रिक देश, अगर हमारे देश में धर्म का मुद्दा उठ गया तो फिर कैसा लोकतंत्र, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, विविधता में भी एकता, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, और उसी खूबसूरती को बदसूरती में बदला जा रहा है नेताओं के द्वारा, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, अगर ये नहीं बिठाया तो फिर आप लगे रहना मेरे भाई, मेरा धर्म ये, मेरी कौम, मेरा फलान, सभी कौम में सर्वश्रेष्ठ है, सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बस ये नेता नहीं है, ये याद रखना आप, ये नेता आपको आपस में लड़वाते हैं, इस आपस की लड़ाई को छोड़कर एक आपसी भाईचारे की सांझ बनाओ, इतना ही कहना चाहेंगे आपको। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।